नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कद्दू की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए तथा खाद उर्वरक और बोने का समय क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, कद्दू की खेती करने के लिए दोमट एवं बुलाई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। यह 5.5 से 6.8 pH तक की भूमि में उगाया जा सकता है। हालांकि मध्यम अम्लीय में भी इसे उगाया जा सकता है। चूंकि यह उथली जड़ वाली फसल है, अतः इसके लिए अधिक जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, बोने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां पर उगाया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में से साल में निम्न दो बार बोया जाता है, फसली मार्च, फरवरी मार्च तथा जून जुलाई। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुवाई मार्च अप्रैल में की जाती है। नदियों के किनारे इसकी बुवाई दिसंबर में की जाती है। खाद तथा उर्वरक कैसे और कितना देना चाहिए। दोस्तों, कद्दू की फसल अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें कंपोस्ट खाद का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये भूमि में लगभग 40 से 50 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद, 20 किलोग्राम नीम वाली वजन और 30 किलोग्राम अरंडी की खली हुई, इन सभी खादों को अच्छी तरह मिलाकर अच्छी तरह मिश्र तैयार कर खेत में बुवाई के पहले इस खाद को समान मात्रा में बिखेर दें। फिर अच्छे तरीके से खेत की जुताई कर खेत को तैयार कर लें तथा इसके बाद उसकी बुवाई कर दें। दोस्तों, इसके लिए रासायनिक खाद 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय तथा दूसरी बार फूल आने पर नत्रजन देना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।